दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चेक। तो अभी आप लोग सोच रहे हो यार ये भाई मैंने फोन हाथ में क्यों लिया। तो फोन हाथ में लेने की एक तो वजह ये है कि आज हम लोग मरक्कर अरबी का दालिनते सिमहम। देखिए नाम का थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसलिए ये मोबाइल हाथ में लिया, पहली वजह तो ये। और दूसरी वजह है कि इसमें ही मैं ट्रेलर देखूंगा और आप लोगों को इसका रिएक्शन दूंगा। और सबसे शॉकिंग बात इस मूवी से क्या क्या है वो मैं ट्रेलर देखने के बाद बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। और ये पहली मलयालम फिल्म है जिसका हम लोग रिएक्शन रिव्यू कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और भाई मैंने ईयरफोन लगा लिया तो लोग बोलेंगे ईयरफोन क्यों लगाते नहीं हुआ। तो अब ये ट्रेलर देख के मुझे पर्सनली क्या फील हुआ, चलो मैं बात करता हूँ। देखिये ये मलयालम फिल्म की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, यानी कि इसका बजट करीब 100 करोड़ का है। और इस फिल्म में आपको मल्टीपल एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मोहनलाल सर, सुनील शेट्टी सर और अर्जुन सरजा। इसे डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने। और इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है वो अगर आपने प्रियदर्शन की अपने अगर फिल्में देखोगी प्रियदर्शन सर की, तो उनकी फिल्म में जो आर्ट डायरेक्शन होता है वो सिर्फ एक ही इंसान करता है, वो है साबू सुरैल। और जिस तरीके से उन्होंने इसमें आर्ट डायरेक्शन किया, बात किया था आपको 16वीं सदी की याद आ जाती है। मैं आपको बता दूं 16वीं सदी की बात करो तो ये जो फिल्म है इसकी जो कहानी वो 16वीं सेंचुरी पर बेस है, जहां पर एक बैटल हुआ था कुंजली मरक्कर फोर्ट और पोर्तुगीज के बीच में। तो ये बैटल किस तरह से हुआ था, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, वो सब कुछ चीजों पर फोकस करती है फिल्म मरक्कर। यार इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाई इस बार मलयालम इंडस्ट्री ने कुछ नया हटके करने की कोशिश की और बहुत ही बड़ा रिस्क लेने की कोशिश की, क्योंकि बॉलीवुड ने इस तरीके का एक नल्ला रिस्क लिया था थग्स ऑफ हिंदुस्तान देखकर। हालांकि वो एक फिक्शनल कहानी थी मगर यहाँ पर एक रियल इंसिडेंट पर बनाई गई ये फिल्म है मरक्कर। तो यार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बताए पॉजिटिव वाइब आ रहा है इसके ट्रेलर को देखकर, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये मूवी 100% बहुत ज्यादा चलने वाली और ये मूवी इतिहास में अपना नाम करेगी। इसके अलावा इस फिल्म के साथ एक और अच्छी बात है, ये फिल्म की शूटिंग उसी स्टूडियो में हुई जहां पर बाहुबली की हुई थी, रामोजी फिल्म स्टूडियो जो कि हैदराबाद में। तो एक और जबरदस्त बात है क्योंकि यहां पर डायरेक्टर मेकर्स ने कहीं से भी कोई कमी नहीं रखी है फिल्म को एक ग्रैंड बनाने में। और 100 करोड़ मलयालम फिल्म के लिए डालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। उसके अलावा ये मूवी सारे के सारे लैंग्वेज में रिलीज होगी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब समझ गए ना आप कि इंग्लिश हिंदी जो जो हमारे इंडिया में लैंग्वेज है सब में रिलीज होगी ये मूवी। तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये मूवी कब रिलीज हो और कब देखे, क्या ये अगली बाहुबली बन सकती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मरक्कर मूवी का ट्रेलर कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए वीडियो करे लाइक शेयर करे सब्सक्राइब। मैं हूँ राशि चेक और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट में। दुआ में याद रखना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में।